चिनार, हेलो सुमृत मैडम, आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहता हूँ। किस मौजू पर चिनार? आप कहाँ हैं इस वक्त? फेस टू फेस मिलकर बात करते हैं। अगर तुम चाहते हो तो बाहर मिलेंगे, वैसे भी थोड़ी देर बाद बाहर निकलूंगी। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ओके, जब मैं घर से निकलूंगी तो तुम्हें फोन कर दूंगी। वेल डन, तुम ऐसा करती जो ताकि हमारी जिंदगी और मुश्किल हो जाए। मैं समझी नहीं। फौरन चिनार को शिकायत करके मदद मांग ली? देखें, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं। जब से मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं मेरी कोई बात नहीं हुई। वैसे भी मदद मांगने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। नहीं मांगी तो अच्छा है। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ी जल्दी आ गई थी। अगर भूख लगी है तो बात करने से पहले ऑर्डर कर लें। मेरे ख्याल से पहले बात कर लें। तुम मुझसे अकेले मिलना चाह रहे थे, इसका मतलब कोई खास बात है? आपको तो पता होगा बात यास्मीन की है। आजकल सारी परेशानियां एक साथ ही आ गईं। वो भी थोड़ी उदास हो गई। इसका मतलब तुमको पता है, अच्छी बात है। आपको गुस्सा है और मां होने के तहत होना भी चाहिए, पर मेरी बात का यकीन करें, मैं हरगिज नहीं चाहता था ऐसा हो। सब लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उदास और परेशान सिर्फ मेरी बेटी है। समझ में आ रहा है तुमको चिनार? मैं जानता हूं इस टॉपिक के बारे में आपका ऑब्जेक्टिव होना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं जितना भी कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। सबको एक साथ लेके चलना है। चले जो भी है, मैंने आपसे किसी और बारे में बात करनी थी। ठीक है, सुन रही हूं चिनार। यास्मीन को खुश देखना चाहता हूं, उसकी फीलिंग्स की कदर करता हूं मैं। इतनी सब बातों के बाद कैसे हो गया ये? लाले के जाने के बाद यास्मीन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। चाहती थी कि मैं जिंदगी दोबारा जीऊं। उन डार्क डेज में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरा खाना पकाया, कपड़े धोए। वो सिर्फ मुझे एक उम्मीद देना चाहती थी। मैं भी उसके लिए सिर्फ यही चाहता हूं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है चिनार, ये बताओ। यास्मीन अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रही है। उसके डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं, वो कामयाब हो सकती है। हाँ, वो ये बहुत अरसे से चाह रही थी। उसका ये ख्वाब मैं पूरा करना चाहता हूं। टेक्सटाइल कंपनी को अलकाज से अलग करके तश्करांस को देना चाहता हूं, और उसकी हेड यास्मीन होगी।